तो दोस्तों ये जो आप ऑक्शन देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में है और ये इंपोर्ट का है। आइए हम इस ऑक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या प्रोडक्ट है और कैसे आप ले सकते हैं, क्या इसका टर्म्स कंडीशन है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टोन है और ये जो देख रहे हैं ये कुछ लम्स है, कुछ जब आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा क्या है। ये एक्चुअल फोटो है और इसको हमने साइट से डाउनलोड किया है, एमएसटीसी के साइट से। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है मशीन, ओल्ड मशीन, और इसके नीचे जो देख रहे हैं ये पेपर रोल्स हैं और प्लास्टिक रोल, पेपर रोल, ये जो स्टॉक लॉट के प्रोडक्ट आते हैं ये वो हैं। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए जिप्सम टाइल, ये जो जिप्सम टाइल जो छतों में जो लगता है उसका है, ये जिप्सम टाइल हो गया। उसके बाद में ये कोई पाउडर है, अभी मैं जब लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन सा पाउडर है ये। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सोलर बैटरी है। तो ये सारे के सारे इंपोर्ट किए गए हैं, किसी कारणवश जो है ये अनक्लेम में पड़े हुए हैं। उसके बाद में अब हम इसका लिस्ट देख के समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप इसको खरीद पाएंगे। तो यदि आप महाराष्ट्र से हैं और इसके आसपास से हैं तो आप खरीदिए, जाइए, पहले माल देखिए, माल देख के डिसाइड कीजिए क्या ये आपके लायक है। अब हम जानेंगे इसका लिस्ट देख के कि क्या इसका टर्म्स कंडीशन है। तो दोस्तों यदि आप महाराष्ट्र से कहीं भी, महाराष्ट्र में कहीं से भी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है, आप जाके देख सकते हैं, एक नॉलेज गेन होगा आपके साथ। हाँ ध्यान रहे, बिना एमएसटीसी रजिस्ट्रेशन के आप नहीं देख सकते, बिना एमएसटीसी रजिस्ट्रेशन का जब तक वैलिड कार्ड आपको, रजिस्टर्ड कार्ड नहीं मिलता तब तक आप ये माल को नहीं देखेंगे, ध्यान रखिए। तो यदि आपको इस माल को देखना है, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन कराइए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, हम भी आपको हेल्प करते हैं एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और आपको गाइड करते हैं प्रॉपर, जिससे कि आपसे गलती ना हो और आप सही ढंग से आप माल खरीद सके। तो आइए हम चलते हैं लिस्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या है इस लिस्ट में और इसको हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो आइए हम लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए आस्त लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नियर इंडिया बुल्स, और इसका एग्जैक्ट जो एड्रेस हम बताएंगे, लोकेशन कहां माल पड़ा हुआ है। तो ये देखिए 21 तारीख से आप इसका माल देख सकते हैं और 29/8 तक अभी टाइम है, आप जाएं और जाके माल देखें। और 30/8 को 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इसकी बोली चलने वाली है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं, देखिए सबने क्लिक हेयर फॉर फोटो दिया हुआ है, तो यदि आपको पीडीएफ मिला होगा हमारी तरफ से तो उसमें क्लिक करेंगे तो फोटो दिख जाएगा आपको, या आप एमएसटीसी के साइट पे जाके भी इस ऑक्शन नंबर से सर्च करके आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह के, देखिए इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप टाइम पे उस चीज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और देख पाते हैं माल को। क्योंकि देखिए एक दिन में 50 ऑक्शन होता है, आप कितना भी एक्टिव है पूरे ऑक्शन को नहीं देख पाएंगे। तो जिसमें आपका प्रोडक्ट आ रहा है सिर्फ आप उसी में पार्टिसिपेट करें। तो आइए हम चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। ये जो इसका लोकेशन है, पहले लोकेशन को समझिए, आस्त लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड विलेज आस्त कोन सालवे रसायनी रोड रायगढ़, ध्यान रखिए रायगढ़ में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है ये सीएफएस, और यहां जाके आप ये सारा माल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और ये देखिए नो, ये जो है ईएमडी है 1,00,000 रुपए। ध्यान रखिए इस पूरे ऑक्शन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, आप एमएसटीसी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो भी आपको 1,00,000 रुपए जमा करने हैं, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके लिए आप डायरेक्ट एमएसटीसी को कॉल कीजिए या हमें भी कॉल कीजिए, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये आपका एड्रेस हो गया, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉट वाइज, देखिए क्वांटिटी में लॉट वाइज लिखा हुआ है, तो ये बोली जो है वो लॉट वाइज ही चलना है। पहला आइटम देखिए क्वार्ट्ज पाउडर है, और ये जो है 20 फीट कंटेनर में है, ये बैग में होता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे फोटो, जैसा कि मैंने आपको फोटो दिखाया है, मैंने एक फोटो डाउनलोड करके, फिर उसके बाद देखिए क्विक लाइम लंप्स जो कि एक पत्थर टाइप का होता है, और ये भी बैग में है, और ये इसके 3 कंटेनर है। फिर उसके बाद में क्विक लाइम है, फिर इसके 3 कंटेनर है। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो ये देखिए क्या है, कॉलम बूम असेंबली सब मर्जेड एआरसी बाइंडिंग मशीन, देखिए कुछ मशीन है, और ये पूरा 10,770 किलो का मशीन है। तो जाइए यदि आप एक मशीन के डीलर है तो देखिए। फिर उसके बाद देखिए सोलर बैटरी, सोलर बैटरी में इन्होंने क्लियर किया सब्जेक्ट टू बीआईएस सर्टिफिकेट। तो यदि आप एक सोलर बैटरी को लेने के लिए सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए पहले आपको बीआईएस का मार्का, आईएसआई का मार्का के लिए अप्लाई करना होगा। जब ये अलॉट हो जाएगा तो आपको एक सैंपल मिलेगा और उस सैंपल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए लेटेक्स लंप्स,
ये क्या होता है, जाएंगे आप जाके देख के पता चलेगा। फिर देखिए स्टॉक लॉट ऑफ क्राफ्ट पेपर बोर्ड इन रील, देखिए स्टॉक लॉट ऑफ क्राफ्ट पेपर की अपने देश में बहुत ज्यादा डिमांड है और ये पूरा एक कंटेनर है और एक कंटेनर का वेट अगर हम देखें तो 17,850 टन है और 17,850 मतलब 17,850 केजी में है इसका। अब हम आगे चलते हैं एमडीएफ पैनल, एमडीएफ पैनल का अपने देश में बहुत ज्यादा डिमांड अब होने लगा है क्योंकि वो बहुत ही मतलब डिमांडेबल है। ये जो पूरे कंटेनर का जो वेट है 5,790 किलो है। फिर देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक कंटेनर है और ये 26,670 किलो है। फिर उसके बाद देखिए पीवीसी जिप्सम सीलिंग टाइल्स, जो छतों में हम सीलिंग करने के लिए जो टाइल यूज करते हैं वो जिप्सम टाइल है, पूरे एक कंटेनर है, सॉरी ये एक और एक ये लॉट नंबर है और ये है कंटेनर नंबर, लेकिन ये भी कंटेनर नंबर है, ये है लॉट नंबर, दो कंटेनर है इसमें और दोनों के देखिए एक कंटेनर में जो वेट आता है अप्रॉक्स 20-21 टन के करीब आता है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 41,880 किलो, तो टोटल जो लॉट है वो 10 लॉट है। तो इस तरह देखिए यदि आप रायगढ़ और ये महाराष्ट्र में कहीं से भी है, रायगढ़ में भी है या इसके आसपास के क्षेत्र से भी है तो जाइए, ये 13 जो 10 लॉट है इन 10 लॉट में बहुत सारे काम के आइटम है, इंस्पेक्शन कीजिए चीजें समझ आती है, तो जब चीजें आपको समझ आएगी तो आपको प्रीवीडीएमडी जमा करना है। ये जो प्रीवीडीएमडी 1,00,000 रुपए का है, जब आपको प्रोडक्ट समझ आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट लेना है आपको, तब ये प्रीवीडीएमडी जमा करना है और उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और प्रीवीडीएमडी जमा कराने के बाद क्या होता है, अधिकारी को इन्फॉर्म करना होता है, तब आपका वो आईडी एक्टिवेट करते हैं इसमें बोली लगाने के लिए। अगर जिसमें भी आप बोली लगा रहे हैं और उसमें लिखता है इनसफिशियंट करके एक मैसेज आएगा तो वो समझ लीजिए कि आपका प्रीवीडीएमडी जमा नहीं है और उसमें प्रीवीडीएमडी की रिक्वायरमेंट है, तब आप बोली नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के ऑक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन करा के देंगे और एक्टिव कराएंगे, प्लस आपको गाइड करेंगे। देखिए मेन जो है इसमें गाइडेंस है, अगर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास नहीं आता है तो क्या होगा, आपके साथ बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। जो आप प्रीवीडीएमडी जमा करा रहे हैं वो गलती से भी अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो पूरा का पूरा फोरफिट हो जाता है। तो दोस्तों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा मैटर नहीं करता जितना बड़ा मैटर करता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। तो दोस्तों जुड़ रही हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।